मेरे दोस्त YouTube पे यूट्यूबर को चाहिए पैसा। पैसा आता है व्यूज से और व्यूज आता है कंट्रोवर्सी से। कभी कभी कंट्रोवर्सी बनाई जाती है, कभी कभी कंट्रोवर्सी बन जाती है, कभी कभी हम लोग कंट्रोवर्सी में घुस जाते हैं। मैं जैसे घुस रहा हूँ, अरे मैं अपनी पोल काहे खोल रहा हूँ यार। देखो ये वीडियो जो मैं बना रहा हूँ ना, इसका उद्देश्य यह है कि आप एक यूट्यूबर के नज़रिए से वीडियो देखो लोगों की, ना कि एक व्यूअर के नज़रिए से वीडियो देखो। अगर आप व्यूअर के नज़रिए से वीडियो देखते हो ना, तो दो यूट्यूबर मिलके आपको डंके की तरह बजाते रहेंगे। कोई आपको इधर से बजाएगा तो आप इधर देखोगे, हाँ ये यूट्यूबर ऐसा ख़राब है। कोई इधर से बजाएगा तो आप देखोगे ये यूट्यूबर बकवास करता है। तो इस तरीके से आप अपना नुकसान कर लेते हो। दो यूट्यूबर तो आपको लड़ा के चले जाते हैं, वो लोग अपना पैसा कमा के चले जाते हैं, फ़ायदा उनका होता है बाकी आपका ही घाटा होता है। ये मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आप एक व्यूअर के नज़रिए से नहीं, आप एक यूट्यूबर के नज़रिए से वीडियो को देखो लोगों को। ये आप सीख जाओगे ना, तो आप भी यूट्यूबर की तरह दूसरे यूट्यूबरों की लड़ाई में आप भी अपना फ़ायदा उठाओगे, ना कि अपना गंवाओगे। और जब आप व्यूअर के नज़रिए से देखोगे तो भाई आपका घाटा होगा, और यूट्यूबर के नज़रिए से देखोगे तो भाई आप वीडियो बनाओगे, आप एक नज़रिया बदला रहेगा आपका, आप उसे वीडियो बना के पैसे छापोगे। आप यूट्यूब पर आए हो तो पैसे ही छापने के लिए आए हो, मैं लिख के कहता हूँ। घर पे गाली खा रहा है कोई, ऐसे पालतू नहीं है गाली खा रहा है। माँ बाप कह रहे हैं चल YouTube छोड़ के पढ़ाई कर, क्यों क्यों YouTube पे लगे हो? नाम चाहिए ना, शोहरत चाहिए ना, तो भाई तो मेहनत कर रहे हो। तो यही है मैं आपको चीज सिखाने चाहता हूँ, पहले आप ये सीखिए। जैसे टेक चैंपियन सपोर्ट ने एक चैनल बनाया होप टॉक, कॉपी है जोश टॉक का, नाम सहित सब कुछ, लेकिन अंतर बस इतना है कि जो जोश टॉक है उस पर जो जो सफल हो गए हैं उनकी स्टोरी दिखाई जाती है, लेकिन होप टॉक पे जो संघर्ष कर रहे हैं, जो यूट्यूबर बनना चाहते हैं या फिर बन रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, उनकी स्टोरी दिखाई जाती है। दोनों अपने अपने जगह सही हैं। भाई टेक चैंपियन सपोर्ट भाई ने भी बढ़िया शुरुआत किया, लोगों की मदद हो जाएगी, यूट्यूबरों का भला हो जाएगा, यूट्यूबरों का फायदा हो जाएगा। अब कितना हद तक फायदा होगा ये आप लोग जानते हो, आप लोग व्यूअर हो, आप लोग ऑडियंस हो, आप लोग पसंद करोगे, ठीक है। अब मनोज दे ने भी एक चैनल बनाया, लेकिन कंट्रोवर्सी खड़ी होती है किसके लिए? व्यूज के लिए। जैसे एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ, मनोज दे ने एक चैनल बनाया अपना, मनोज दे प्रोडकास्ट, आपको पता है। ये भी कहेंगे भैया अब हम भी स्टोरी बताएंगे, लेकिन अंतर क्या है पता है? मनोज दे कह रहे हैं कि हम सफल लोगों की स्टोरी बताएंगे, ये तो नहीं बोला कि हम जो संघर्ष कर रहे हैं उसकी तरह स्टोरी बनाएंगे। उन्होंने बोला कि जो सफल हो गए हैं उसकी स्टोरी बनाएंगे। इन्होंने अपनी स्टोरी में भी बताया है, इंस्टा स्टोरी में भी मनोज दे ने बताया कि भैया जो सफल हो गया है उसकी स्टोरी लोग देखना पसंद करते हैं, लोग उससे मोटिवेट होते हैं। मनोज दे ने भी सही कहा कि भाई जो IAS बन गया है उसी से ना मोटिवेट होंगे, या फिर जो IAS की तैयारी कर रहा है उससे मोटिवेट होंगे। हाँ किससे, किस आप कमेंट मुझे बताओ कि किससे मोटिवेट होंगे, जो IAS की पढ़ाई कर रहा है उससे, या फिर जो IAS बन गया है उससे? हाँ IAS तैयारी करने वाले गांव में 50 मिल जाएंगे, पता चला शहर में जाके वो नाम लिखा के कुछ भी कर रहे हैं, और IAS बनेगा वही जो संघर्ष करेगा, तभी तो बनेगा, यहाँ कोई भेदभाव तो है नहीं। तो यही मनोज दे का कहना है कि जो सफल हो गया है उसकी स्टोरी से लोग मोटिवेट होते हैं, और जो स्ट्रगल स्टोरी कर रहे हैं तो भाई उससे क्या मोटिवेट होंगे, उससे लोग सीखेंगे बस कि हाँ यार क्या संघर्ष किया, क्या गड़बड़ है, उससे लोग सीखेंगे। ये होप टॉक का काम है, ये भी अपनी जगह सही है, भाई हम स्ट्रगल से ही सिखा रहे हैं। लेकिन लफड़ा क्या हो गया कि जब मनोज दे ने अपना पहला चैनल बनाया तो भाई अपना चैनल खोल लिए, उसको वीडियो प्रमोट कर दिए, व्यूज बढ़ने लगा। अब टेक चैंपियन सपोर्ट करने के भाई हमारा कहना प्रमोट किए, हमारे लिए तो बोले बेकार है, तुम नहीं प्रमोट किए अपना कर लिए। 2 लाख 3 लाख मैं अपने जेब से देने को आपको तैयार हूं, मैं दूंगा आपको पैसे, आप हमारे होप टॉक को प्रमोट करें, मुझे तो भाई अब ये उन लोगों को मैटर, मनोज दे भी जानते हैं कि भैया नहीं करेंगे, हमारा चैनल है, हमारी मर्जी, हम नहीं करेंगे, तुमको क्या होने वाले ना हो। क्योंकि मनोज दे भी ये सोचे होंगे भैया कि पैसा होप टॉक से जो पैसा आएगा वो कौन कमाएगा। भाई देखो टेक चैंपियन सपोर्ट ने कहा कि हम इस चैनल से लोगों का मदद करेंगे, बात सही है, लेकिन एक यूट्यूबर के नज़रिए से देखिए कि जो पैसा मिलेगा वो किसे मिलेगा? वो यूट्यूबर को थोड़ी नहीं मिलेगा, वो एक बंदे को ही मिलेगा ना। आप भले खर्च करो, बात अच्छी है, टेक चैंपियन भाई अच्छा है, खर्च कर रहे हैं, सही बात है, लेकिन कमाओगे तो लगता है मनोज दे ने यही सोचा होगा या यही इनके दिमाग में आया होगा, ये मेरी बात नहीं है, मेरे दिमाग मत लेना, मेरे सर पर चढ़ जाओ, वो मनोज भाई ने ऐसा सोचा होगा कि भाई पैसे के लिए तो हैं सब, पैसा ये कमा का हम प्रमोट करें, का प्रमोट करें बताओ, आप ही करोगे का? इसीलिए मनोज दे ने इनके प्रमोट नहीं किया। भाई क्यों प्रमोट करेंगे, मुझे ये भी नहीं समझ में आता कि क्यों प्रमोट करेंगे। अब इसीलिए टेक चैंपियन सपोर्ट भाई इनके बीच में थोड़ा सा हो गई लफड़ा। बाकी मनोज दे का कुछ नहीं कहना है, मनोज दे कह रहे हैं कि भैया आप संघर्ष करो, आप इतना सफल हो जाओ कि जो स्टाल के जैसे बड़ा मंच बुलाए, ठीक है भाई। इंस्टाग्राम स्टोरी के लिए क्या जाना, क्या दिखाना, हाँ आप क्यों रोना रोगे अपने कर्म पे, क्या आप क्यों रोना रोगे,
हम संघर्ष करें, मेहनत करें, पंखा के नीचे बंद किए हैं, पसीना बहाना, तो ये मेरी स्ट्रगल है। कल मैं सफल हो जाऊंगा तो मैं एसी लगवाऊंगा, मैं ये 100 रुपये की कुर्सी पर बैठा हूँ, कल सफल हो जाऊंगा तो 15,000 की कुर्सी पर बैठूंगा। तो ये किस्मत है, ये मेहनत है, जो आज मेहनत करूंगा तभी तो मैं सफल हो जाऊंगा। और आज मैं रोना रोग नहीं भैया, मैं ये कुर्सी है और ये पंखा बंद है, बहुत पसीना हो रहा है, हम नहीं करेंगे, तो ये सफलता कहाँ पाओगे? आप रोते ही रह जाओगे ना। और जिस दिन जो रोना सीख गया तो संघर्ष नहीं कर सकता, मैं खुली बात कहता हूँ ये, चाहे किसी को बुरा लगे चाहे जो लगे। मैं भी मेहनत कर रहा हूँ, आप भी मेहनत कर रहे हो, अब मेहनत की कदर जानते हो, तो हम कभी भी अपने जो भी हमारा संघर्ष है उसे हम दिखा के रोना नहीं रोते हैं। हम अपनी संघर्ष के बारे में कब बताएंगे? जब हम सफल हो जाएंगे। नीरज चोपड़ा को कैसे लोग जानने लगे? हाँ भैया, पहले तो नहीं जानते थे, कैसे जानने लगे? जब उन्होंने देश के लिए कुछ किया, एक मुकाम हासिल किया, तब तो नीरज चोपड़ा को लोग जानने लगे, हाँ भैया कोई भाला फेंकने वाला भी है, मार देगा सीने में, धप हो जाओगे। उससे पहले तो नहीं थे, क्या उससे पहले जन्म नहीं थे क्या? उनका जन्म था ना, काहे नहीं जानते थे। तो हमेशा ये अंतर है। अब व्यूज के लिए आप कितना भी घुमाओ, कितना भी लफड़ा करो, तो आप लोग भाई वो उनका काम है, वो कल एक हो जाएंगे। मैं लिख के देता हूँ, आपके सीने में लिख दूंगा, वो लोग कल एक हो जाएंगे, जाओगे आप लोग। तो भैया बस यही कहो, वो अपना बोल रहे हैं, अपना बोल रहे हैं, तुम बस सुनो, किसी के खिलाफ हेड मत फैलाओ, बस आप समझ जाओ कि क्या मैटर है। ठीक है, आप भी वीडियो बना सकते हो, बना दो वीडियो, हमारे ऊपर ना बना देना, ठीक है, कि बच्चे रोहित भैया इसे बोल दिए। अच्छा ठीक है, तो चलिए फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।